इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश भी जारी। आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर पदोन्नति नहीं लेने वाले कर्मचारियों को मुसीबत में डाला। कर्मचारियों ने पदोन्नति नहीं ली तो आर्थिक लाभ भी नहीं मिलेगा। भोपाल मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश ने उन कर्मचारियों को मुसीबत में डाल दिया है जिन्होंने पदोन्नति लेने से इनकार किया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने यदि अब पदोन्नति नहीं ली तो उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। मोहन सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। मोहन सरकार का बड़ा आदेश, अब प्रमोशन छोड़ा तो कर्मचारियों को पूरी सर्विस में होगा नुकसान। मोहन गवर्नमेंट बिग डिसीजन। भोपाल मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब यदि किसी कर्मचारी ने ट्रांसफर के डर से प्रमोशन से इनकार किया तो उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना होगा। ऐसे कर्मचारियों को अब राज्य सरकार द्वारा उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। पदोन्नति को लेकर नियम में बदलाव। कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू किए जाने के बाद कर्मचारियों को निर्धारित सेवा पूरी होने के बाद वरिष्ठ पद का वेतनमान का लाभ दिया जाता था, लेकिन जब उन्हें उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता था तो कई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार कर देते थे। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को दी गई क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाता था। साथ ही पदोन्नति आदेश में भी इसका उल्लेख किया जाता था। यदि शासकीय कर्मचारी इस पदोन्नति को छोड़ता है तो उसे पदोन्नति के एवज में पहले से दी जा रही क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ नहीं। राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों की क्रमोन्नति योजना में बदलाव करते हुए प्रावधान किया है कि यदि इस योजना में कोई कर्मचारी उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने के बाद पदोन्नति लेने से इनकार कर देता है तो कर्मचारी को पहले से मिलने वाली बढ़ी हुई सैलरी के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे कर्मचारी को भविष्य में किसी भी उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस नए नियम को अब लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल क्रमांक 887,1,998,160 3rd of January 2024 टू भोपाल दिनांक 29th of August 2024 प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल प्र ग्वालियर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त समस्त कलेक्टर समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश विषय शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना संदर्भ इस विभाग का परिपत्र क्र F1/1/99 दिनांक 23rd of September 2002 उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावे। साथ ही पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। 2. राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक F1/1/99 दिनांक 23rd of September 2002 की कंडिका 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, परंतु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। 3. उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा पुराने निर्मित प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सुभन रायकवार, अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।